Hey friends, welcome back to my channel and I hope you all are doing very good. So, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो बोटल आर्ट जो कि बहुत ही सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो आर यू रेडी? सो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट बोटल. सो फर्स्ट बोटल के लिए आपको चाहिए इस तरह के ट्रांसपेरेंट बोटल एंड यू नीड दिस काइंड ऑफ पिक्चर विच आई हैव गॉट फ्रॉम गूगल. अब मैं इस ड्रीम कैचर को अपने बोटल पे स्टिक कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ मोज पोज. एक बार ये स्टिक होने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें. दो तीन घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा. और मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ स्पॉन्ज. ये हमारे घर पे अवेलेबल होता है और मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ एक्वा ब्लू कलर एंड पर्पल कलर. सो मैं टैप करते हुए पूरे बोटल को कवर कर लूंगी. So let's do some color correction. अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्डन कलर. सो इसका जो बॉर्डर है मैं उसको पूरा हाईलाइट करने वाली हूँ. उसके बाद मैं अपने जो ब्रश है उसकी हेल्प से सारे बोल्स में इस तरह के डॉट्स बनाने वाली हूँ. अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ उलेन थ्रेड और मैं इसका जो नेक है पूरा उसको मैं कवर अप कर लूंगी. और कुछ पर्ल्स लिए मैंने यहाँ पे जिसको मैं इस तरह से अपने थ्रेड में लगा करके बोटल के नेक पे अटैच करने वाली हूँ. सो था ना बहुत ही इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग. आई होप यू गाइज लाइक दिस. इसका नाइट वर्जन तो मुझे सबसे प्यारा लगा. इतना क्यूट लग रहा है ये अभी बोटल. तो चलते हैं अपने दूसरे बोटल आर्ट की तरफ. तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिया है ग्रीन कलर का बोटल या फिर आप कोई भी डार्क कलर का बोटल ले सकते हैं या अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बोटल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोट अप्लाई कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिया है एक्रेलिक कलर. मैं यहाँ पे दो लेयर अप्लाई करूँगी. उसके बाद इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक टिश्यू पेपर है जिसपे कि बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं. सो मैंने इसको रखा हुआ था बहुत टाइम से तो आज मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ और इसमें जो भी फ्लावर्स है मैं उसको कटआउट करने वाली हूँ. सो मैंने यहाँ पे अपने जो कटआउट्स थे वो निकाल लिए हैं और अब मैं इसको करने वाली हूँ बोटल पे अटैच. तो मैं यहाँ पे मोज पोज का ही यूज़ कर रही हूँ. जब आपका बोटल ड्राई हो जाए तो आप इसको सिक्योर करना ना भूलें. आप कोई भी वाटर बेस्ड सीलर या फिर जो वर्निश आता है वो पक्का से यूज़ करें. उससे आपके बोटल में शाइन भी आएगी और जो आपका डिज़ाइन रहेगा वो सिक्योर भी रहेगा. तो हमारा दूसरा बोटल आज भी तैयार हो गया है. आई होप यू गाइज लाइक दिस. और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें इसको. और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.